नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप सभी को बिजतक की पूरी टीम की ओर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। रोशनी, उत्साह और खुशियों का त्योहार है दिवाली, जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं। दिवाली को लेकर हमारी तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, रोशनी से लेकर कई तरह की चीजों से घर की सजावट को लेकर पूरे उत्साहित रहते हैं, एक दूसरे के लिए तोहफे लेते हैं। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर खास तौर पर घर की सुख समृद्धि के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था करते हैं। इस त्योहार की कई ऐसी चीजें हैं जो हमें सीख देती हैं। दिवाली से हम अपने पैसे और निवेश से जुड़ी भी कई चीजों के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप और हम दिवाली पर्व से अपने पैसों के साथ के रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला सबक जो हमें इस त्योहार से मिलता है वो है पहले से प्लानिंग करना। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि दिवाली के लिए हमारी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है, चाहे वो रिश्तेदारों और दोस्तों को क्या गिफ्ट देना है उसकी बात हो या फिर कपड़ों की खरीदारी, घर की सजावट जैसी चीजें, हम इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। इसी तरह हमें बेहतर बेनिफिट्स के लिए प्लानिंग करके जल्दी निवेश शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी शुरू होगा इन्वेस्टमेंट, उतना मोटा होगा हमारा रिटर्न। यानी अगर हम कम उम्र में निवेश करते हैं तो हम लंबे समय में बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ दिवाली के लिए ही पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट की भी पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। वहीं दिवाली पर आप अपने परिवार के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए तोहफे लेते होंगे, तो क्या आप ऐसे ही कोई सा भी गिफ्ट उठाकर उन्हें दे देते हैं? नहीं ना, आप उसकी उम्र, पसंद को जरूर ध्यान में रखते होंगे और उसके हिसाब से ही उनके लिए सामान लेते होंगे। इसी तरह किसी को भी अपने लाइफ के अलग अलग स्टेज पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के उद्देश्य को तय करना चाहिए कि इस जीवन के पड़ाव पर पैसों की उनकी जरूरतें क्या है और पैसों से उनकी डिमांड क्या है। गोल को फिक्स करने से आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से, और ऐसे में आपका गोल आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगा और मुश्किल समय से बाहर निकलने में भी आपका सहयोग करेगा। इसलिए निवेश करते समय उसका लक्ष्य तय रखें। अगली सीख जो हमें दिवाली का त्योहार देता है, चलिए इस तरह से इसे समझते हैं। आप दिवाली से पहले अपने घरों और दफ्तरों की साफ सफाई तो करते हैं, वहीं जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती उसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे देते हैं। तो निवेश करते समय भी हमें अपने पैसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि उसमें हमारी फाइनेंशियल गोल के मुताबिक सब चीजें है भी या नहीं। इसके साथ ही जो स्कीम्स अच्छा नहीं कर रही हैं, उनसे बाहर निकलना ही समझदारी होगी। तो दिवाली हमें बताता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। अगला सबक है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दरअसल दिवाली के मौके पर हम पटाखों का मजा लेते हैं, लेकिन साथ ही हम वो भी सभी कदम उठाते हैं जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। मतलब हुआ कि हमें ऐसी ही सुरक्षा अपने फाइनेंस के लिए भी रखनी चाहिए। छोटे बच्चों को जैसे हम अपनी या दूसरे बड़ों की निगरानी में ही पटाखे जलाने को कहते हैं, उसी तरह हमें निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो देखने में तो लुभावनी लगती है लेकिन लंबे समय के लिए वो हमें बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे कि हम किसी पटाखे को खरीदते समय उसकी पूरी जांच करते हैं, वैसे ही हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर पूरी तरह रिसर्च कर लेनी चाहिए। वहीं हमें किसी इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि जब भी हम पटाखे जलाते हैं तो हम किसी दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी रखते हैं, वैसे ही हमें अपने भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चितता से निपटने के लिए भी कुछ तैयारी रखनी चाहिए। इसके लिए हमें सही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहिए। इंश्योरेंस कवर हमें किसी भी नुकसान से निपटने में मदद कर सकता है। दिवाली दीपों का त्योहार है जो चारों ओर के अंधेरों को रोशन करती है, जिसे हम अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही हमें भी अपनी फाइनेंस और निवेश से जुड़ी अस्पष्टता या अज्ञानता को कम करने की ओर प्रयास करना चाहिए। यानी हमें अपनी पिछली पैसों से जुड़ी गलतियों की पहचान करनी चाहिए, जैसे कि किसी गलत प्लान को सेलेक्ट करना, बिना जानकारी के किसी स्टॉक में निवेश करना।
ऐसी मिस्टेक को पहचान कर उसे ठीक करना और दोबारा ना दोहराने की सीख लेना। इसमें अपनी वित्तीय सलाहकार से हम सहायता भी ले सकते हैं। हालांकि दिवाली रोशनी का उत्सव है, लेकिन क्या ये केवल रोशनी से ही जुड़ा है? इससे हमारी त्योहार की खरीदारी, साफ सफाई, सजावट, पटाखे और पूजा पाठ भी सभी जुड़े हैं, जो इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। हमारा निवेश भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। वैसे ही जोखिमों को रोकने के लिए हमारे निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत होती है। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए स्टॉक, म्यूचुअल फंड, सोने चांदी जैसे सामानों में निवेश कर सकते हैं। दिवाली के समय हम कई तरह के खर्चे करते हैं, तो इस वक्त हम बजट बनाते हैं, पूरे खर्चे का हिसाब लगाते हैं। वैसे ही हमें साल भर अपने खर्चों का हिसाब रखना चाहिए और बजट बनाकर खर्च करना चाहिए। ये हमें पैसों के लिए डिसिप्लिन रहने में मदद करेगा, साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान को बिगड़ने से भी बचाएगा। तो देखा आपने, इस बार दिवाली को आप भी इसी नजरिए से देखें। और हाँ, केवल देखना ही नहीं है, दिवाली की सीख को जल्द से जल्द आपको और हमें अपने जीवन में भी शामिल करना है, ताकि हमारी हर दिवाली केवल दियों से नहीं जगमगाए, बल्कि हमारे फाइनेंस पर भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।